हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आप लोग पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 49,569 का रिजल्ट आ गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत लड़कों के ओपन हो रहे हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जब से रिजल्ट आया है, कुल मिला जुला कर हमारे पास अभी तक लगभग 50 कॉल्स आ चुकी हैं, जिसमें लड़कों ने मुझे बधाई दी है। इस बात के लिए बधाई दी है कि सर, आपने जो कट ऑफ बताई थी, हमने जो कट ऑफ बताई थी, हमारी कट ऑफ 100% रियल हो गई है। हमारी जो कट ऑफ बताई थी, हमने शर्त रखी थी कि ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, और वाकई हमारी बताई हुई कट ऑफ से कम गई है। तो जीएस स्टेशन इस बात से 100% सही हो गया कि कट ऑफ बताई हुई से कम गई है हर शिफ्ट की। और फ्रेंड्स, जिनका जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप बधाई के पात्र भी हैं। लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर आप हमको मोटिवेट किए थे, मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो भैया, आप लोगों का यही प्यार हमें चाहिए। तो मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं एक्यूरेसी का बड़ा मामला उठ रहा है, और एक्यूरेसी कह रहे हैं कि एक्यूरेसी का भी महत्व होता है। फ्रेंड्स, होता है कि नहीं होता ये नहीं पता, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। मेरे साथ का लड़का 108 क्वेश्चन उसने किया था, ओबीसी का लड़का था, 108 क्वेश्चन उन्होंने किया था, जिसमें से इनके 10 क्वेश्चन गलत हुए थे, यानी कि 98 क्वेश्चन उनके सही थे, और फाइनली उनका नाम नहीं आया। और ये 28 फर्स्ट में थे, इनका नाम नहीं आया। अब आप बताइए, इससे अच्छी एक्यूरेसी क्या होगी? हम आपसे जानना चाहते हैं, इससे अच्छी एक्यूरेसी क्या होगी? क्या कोई है इससे अच्छी एक्यूरेसी? नहीं है ना, नाम नहीं आया। हाँ, बहुत लोगों का होगा कि जैसे एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो और नाम भी आ गया हो। बहुत लोगों का एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होगी, नाम नहीं आया है। फ्रेंड्स, इसमें कई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपका नाम आया हो तब भी कमेंट्स करिए, ना आया हो तब भी कमेंट्स करिए, एकजुट होकर के रहना है, किसी को डीमोटिवेट नहीं होना है। हम आपके साथ है, जीएस स्टेशन आपके साथ है, पल पल की खबर आपको देता रहेगा। परेशान मत होइए, आगे क्या करना है पूरी डिटेल में सारी जानकारी दूंगा। बस आपका अगर आ गया है तो भाई बधाई के पात्र है, नहीं आया है तो अपने नंबर, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, साथ ही साथ कैटेगरी क्या है आपकी, ये चीज़ें कमेंट्स कर दीजिए। कमेंट्स करिए, हम देखेंगे कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं कि कितने पर आ रहा है, कितने पर नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, इसका कोई खास वजह अभी तक नहीं मिल पाई है। जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि 2.5 गुना अर्थात 1,23,000 कैंडिडेट के आसपास, 24,000 के आसपास क्वालिफाई कर दिए गए हैं। बेस की बात किया जाए तो 28 फर्स्ट शिफ्ट को इसमें बेस मान लिया गया है। यही कारण है कि 28 फर्स्ट के स्टूडेंट जो है, इनको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं ओपन की। तो ओपन में आप ये जानिए कि 165 नंबर 27 फर्स्ट जनरल कैंडिडेट का, यूआर कैंडिडेट का ओपन हुआ है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि सभी जो भी 27 फर्स्ट में हैं, 165 प्लस है, सबका नाम आएगा, ऐसी बात नहीं है। 165 27 फर्स्ट यूआर कैटेगरी ओपन हुई है। 184 नंबर 28 सेकेंड ओपन हुई है ओबीसी, ठीक, ओबीसी ये ओपन हुई है। और देखिए, 213 तो जनरली सबका ओपन हो ही जाएगा, 213 नंबर 28 सेकंड ओपन हुआ है, और यूआर कैटेगरी का है बंदा। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 182 नंबर हैं, 182 28 फर्स्ट ओपन हुआ है ओबीसी कैटेगरी का, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि कितने पर नहीं ओपन हुआ है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा रिजल्ट के विषय में, रिजल्ट तो सही आया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मिस्टेक टाइप का लग रहा है, वो ये टाइप का लग रहा है। देखिए, गर्ल्स की बात करते हैं, 140 नंबर फीमेल, ठीक है, फीमेल और जनरल फीमेल, इस लड़की का ओपन नहीं हुआ है, नॉट ओपन। और 153 नंबर फीमेल कैंडिडेट यूआर कैटेगरी की 28 फर्स्ट, नॉट ओपन, ओपन नहीं हुआ। और देखिए, 182 नंबर एससी कैटेगरी मेल 28 सेकंड, नॉट ओपन। और देखिए, 152 नंबर एससी कैटेगरी नॉट ओपन,
इसका ये मतलब नहीं कि जिनके इससे ज़्यादा मार्क्स हो और आ गया हो तो इसका मत कहिएगा कि मेरा तो ओपन हुआ, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं सबका चेक किया हूँ, कमेंट्स से लिया हूँ, तो इसके आधार पे हम बता रहे हैं। फाइनल डिटेल कल तक पता चलेगी। कोई भी स्टूडेंट गलत कदम नहीं उठाएगा आपके साथ। जीएस स्टेशन है, माना आप डीमोटिवेट हो गए हैं, बस आप चैनल के साथ बने रहिए। आगे क्या करना है हम आपको बताएंगे, बिल्कुल पीछे मत हटिए। आगे आपको हुआ है तब भी बताएंगे कि आपको DBPST कब करनी है, कैसे करनी है, और अगर नहीं हुआ तब भी आप बनिए चैनल के साथ, क्योंकि आपके लिए हम आगे आएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब डेट में जो बात किया जाए तो डी, जैसे देखिए सभी के जिनका आया है उसमें D23, D7, D4 इस टाइप का लिखा हुआ है ना, इसका मतलब अभी तक यही कहा जा सकता है कि ये दिसंबर की बात किया जा रहा है, ये दिसंबर में आपका फिजिकल होगा। वो आगे जो है वो दिसंबर की डेट है, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर बाद आपकी नोटिस आ जाएगी, स्पष्ट रूप से हो जाएगा कंफर्म कि वो डी क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी वो डेट ही है कि डेट है। और आप लोगों को मुझे मालूम है, जिनको जिनका नाम आया है बहुत ही खुशी है, जिनका नाम नहीं आया है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए हैं। डीमोटिवेट मत होइए, मेरे रहते हुए मत होइए, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपको बताएंगे आगे करना क्या है। तो फ्रेंड्स बस इतनी सी जानकारी देनी थी, हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।